दोस्तों इस समय गोल्ड जो है अपनी पीक से 16% नीचे ट्रेड कर रहा है। ये अपने पिछले 4 महीने के लो पे इस समय ट्रेड कर रहा है। तो क्या ये सही समय है गोल्ड खरीदने का? क्या हमें गोल्ड को खरीदना चाहिए या अभी और इंतज़ार करना चाहिए? तो इस तरह के काफ़ी सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे या जानेंगे उन 7 कारणों के बारे में जिसकी वजह से, जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर चार्ट देख सकते हैं, गोल्ड का प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। तो क्या यहाँ से रिवर्सल संभव है? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस समय गोल्ड के प्राइस को इम्पैक्ट कर रहे हैं? दोस्तों गोल्ड हमेशा अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो तभी ये ऊपर की तरफ जाता है या तभी इसके अंदर हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है जब फियर होता है। तो फियर जो है ये सबसे बड़ा कारण है इस समय जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस नीचे आ रहा है। मतलब गोल्ड का प्राइस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फियर के। अगर फियर कम होगा मार्केट में तो गोल्ड का प्राइस नीचे जाएगा, फियर बढ़ेगा तो गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा। तो गोल्ड के ऊपर हम अपने चैनल पे बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, तो आपको मालूम है कि मैंने आपके साथ अपने चैनल पे कई वीडियो शेयर किए थे 2019 में, 2018 में, जहाँ पे हमने देखा था कि गोल्ड के अंदर पैसा आना शुरू हुआ था और यहाँ पे एक्सपर्ट्स का मानना था कि स्टॉक मार्केट में क्रैश आ सकता है। तो दोस्तों वहाँ पे फियर फैक्टर इंक्रीज हो रहा था। तो फियर फैक्टर जब इंक्रीज हुआ उसके बाद गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट होनी शुरू हुई और गोल्ड का प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। तो जब स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली उसके बाद गोल्ड के प्राइस में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। तो दोस्तों इस समय मार्केट में कुछ भी फियर नहीं है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा कि जो आप अलग अलग एसेट क्लासेस हैं या अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उनके रिटर्न आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक मार्केट का पिछले एक साल का रिटर्न 51.4% है और कंपेरेटिवली या रिलेटिवली अगर आप देखें तो जो कैश या लिक्विड फंड्स हैं उनका 3.14, एफडी जो कि एक बहुत पॉपुलर ऑप्शन है इंडिया में वो 4.9% और गोल्ड का रिटर्न नेगेटिव में है 10.9%। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ हमें फियर नहीं दिखाई दे रहा मार्केट के अंदर। और जो दूसरी एसेट क्लासेस या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं वो अच्छा रिटर्न नहीं दे रही। तो दोस्तों यहाँ होता क्या है कि एक रोटी है, उसका कितना हिस्सा किसको मिलेगा वो डिपेंड करता है कि कौन सा हिस्सा इस समय अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर मुझे यहाँ पे दिखेगा कि मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे रिलेटिव टर्म्स के अंदर भी जो दूसरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस या एसेट क्लासेस हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो निवेशकों के पास कोई ऐसा, जिसको कह लीजिए, कंपेलिंग रीज़न नहीं है कि वो गोल्ड के अंदर अपना पैसा डालें। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसका एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण भी है, क्रिप्टो करेंसीज को गोल्ड का एक अल्टरनेटिव या रिप्लेसमेंट बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो करेंसीज हैं उसके अंदर चाहे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, लेकिन दोस्तों यहाँ बिटकॉइन भी एक महत्वपूर्ण रीज़न है जिसकी वजह से गोल्ड के अंदर निवेशकों का इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा जो कि मैं काफ़ी बार क्लैरिफाई कर चुका हूँ कि गोल्ड का प्राइस जो है वो इंटरनेशनली डिसाइड होता है, इंडिया में डिसाइड नहीं होता। तो हम यहाँ पे इंटरनेशनली जो गोल्ड का प्राइस है उसकी चर्चा कर रहे हैं। अगर इंडिया में सब लोग मिलके भी गोल्ड बाय करना शुरू कर दें तो उससे इंटरनेशनल लेवल पे प्राइस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो इंटरनेशनली जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है, और क्योंकि अब गोल्ड का एक अल्टरनेटिव है, इनफैक्ट कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिटकॉइन जो है वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हैजिंग है या रिस्क के अगेंस्ट हैजिंग है। तो बेसिकली बिटकॉइन को एक गोल्ड का अल्टरनेटिव के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश
की जा रही है। तो दोस्तों ये है तीसरा कारण। तो पहला कारण है फियर, दूसरा कारण है कि जो दूसरे अल्टरनेटिव्स या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं गोल्ड के मुकाबले, और तीसरा कारण है बिटकॉइन। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या इस समय कोई भी गोल्ड को बाय नहीं कर रहा? जी नहीं, आरबीआई गोल्ड को बाय कर रहा है। आरबीआई का जो गोल्ड रिजर्व है वो 700 टन को क्रॉस कर गया है, और आरबीआई ने रिकॉर्ड 29 टन जो है गोल्ड बाय किया फर्स्ट हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर 2021 में। तो आरबीआई के जो टोटल गोल्ड रिजर्व हैं इस समय 705.6 टन है। तो गोल्ड ऐसा नहीं है कि गोल्ड की चमक खत्म होगी, यहाँ पे ऐसा है कि इस समय फियर नहीं है इस वजह से गोल्ड परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारा रिजर्व बैंक है वो गोल्ड को बाय कर रहा है और कंसिस्टेंटली बाय कर रहा है। तो ये जो है एक तरीके का रिस्क या फियर के अगेंस्ट है जो होता है, और गोल्ड बाय करने का मतलब कि यहाँ पे आरबीआई को शायद लगता है कि मार्केट के अंदर फियर आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, मेरा कंक्लूजन है, गलत भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जितनी करेंसी सर्कुलेट होती है उतना गोल्ड रिजर्व रखना पड़ता है सेंट्रल बैंक को। इसके बारे में हम पहले वाले एक वीडियो के अंदर भी चर्चा कर चुके हैं। और दोस्तों खास बात यह है कि पिछले दो साल के अंदर 27% इंक्रीज हुआ है आरबीआई की गोल्ड होल्डिंग में, जो कि 2018 में 558 टन के आसपास था गोल्ड, और ये बढ़ता ही जा रहा है, इस समय 705 टन है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं चौथे कारण के ऊपर। चौथा कारण है जो डॉलर इंडेक्स है, मैं आपको इसके बारे में बहुत बार बता चुका हूं। आप देख सकते हैं कि गोल्ड जो है वो अपने 4 महीने के लो पे है, लेकिन यहां पे जो डॉलर इंडेक्स है वो अपने 4 महीने के पीक पे है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, तो डॉलर इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे गोल्ड में हमें वीकनेस देखने को मिलेगी। तो जून में आपने देखा कि गोल्ड ने अपना 4 महीने का हाई बनाया, और वहीं पे उस समय डॉलर इंडेक्स जो है वो अपने बॉटम पे था। तो ये जो प्राइस है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पिछले 4 महीने का जो हाई था वो आप 1 जून को देख सकते हैं, 1900 क्रॉस किया था गोल्ड ने, आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, और उस समय डॉलर इंडेक्स जो है वो अपने बॉटम पे था पिछले 4 महीने के। तो इन दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशन होता है, तो अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो गोल्ड का प्राइस ऑब्वियसली नीचे जाएगा, और डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगा तो गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा। तो दोस्तों ये था चौथा कारण। पांचवा कारण है यहाँ पे जो फेडरल रिजर्व है यूएस का, उन्होंने कहा है कि वो जो पहला रेट हाइक करेंगे, इस समय जो रेट्स हैं वो नियर जीरो हैं यूएस के अंदर, तो वो जो अपना पहला रेट हाइक करेंगे वो 2023 में करेंगे, मतलब आज से 2 साल बाद। तो दोस्तों इस न्यूज का काफी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है उसको यूएस फेड जो है मान के चल रहा है कि ये टेम्परेरी फिनोमिना है। तो यहाँ पे जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है तो रेट हाइक होता है, रेट हाइक होता है तो वहाँ पे सीधा सीधा फायदा गोल्ड को मिलता है। तो यहाँ पे रेट हाइक जो है इसको 2 साल आगे टाल दिया गया है, या ये कहा गया है कि 2023 में रेट हाइक होगा, ये आप न्यूज़ आर्टिकल अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसका भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ गोल्ड के प्राइस पे। तो ये जो है आप अगर आर्टिकल पढ़ना चाहें तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, जो आर्टिकल दिख रहा है आप इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं छठे नंबर के कारण पे। तो दोस्तों छठे नंबर का कारण है, ये फियर से ही संबंधित है। नॉर्मली हम डेट के बारे में, एक्सटर्नल डेट या वर्ल्ड डेट के बारे में समय समय पे चर्चा करते रहते हैं। इस हफ्ते की वीकली वाणी के अंदर भी मैंने इसकी चर्चा की थी। तो ये एक आरबीआई की रिपोर्ट है, यहाँ पे आरबीआई की वेबसाइट पे ये रिपोर्ट अवेलेबल है, ये मैंने कोई अपनी तरफ से डेटा नहीं यहाँ पे शेयर कर रहा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, 30 जून 2021 को इन्होंने जारी की थी। तो यहाँ पे इंडिया के एक्सटर्नल डेट के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है इस समय, इसी रिपोर्ट के अंदर आप लास्ट पेज पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि $570 बिलियन हो चुका है, और ये इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन दोस्तों इसका कोई
फियर जो है मार्केट में नहीं है, तो आरबीआई जो अपना गोल्ड रिजर्व इंक्रीज कर रहा है, तो डेट इंक्रीज होना जो है वो एक फियर की निशानी होती है कि ये डेट चुकाना भी है, मतलब ये वापस भी करना है डेट। ऐसा नहीं है कि ये अपने डेट ले लिया तो ये अब हमारा पैसा है, ये एक्सटर्नल डेट है, मतलब दूसरे देशों से जो हमारे देश ने उधार लिया है या डेट लिया है या पैसा जो लिया है, ये 570 बिलियन डॉलर है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 30 साल के दौरान ये नंबर इंक्रीज ही हो रहा है। तो ये एक और महत्वपूर्ण वजह है जिस वजह से आरबीआई जो है अपने गोल्ड रिजर्व्स को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इसको एक हेज के तौर पर मान के चल रहा है कि अगर मान लीजिए डेट इंक्रीज हो रहा है तो वहां पर हमारे पास कुछ रिजर्व्स भी होने चाहिए। तो डेट जो है उसको फियर माना जाता है कि अगर मान लीजिए आप जो है लोन ले लेते हैं तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में टेंशन रहेगी, अगर आपने होम लोन ले लिया आपको चुकाना भी है वापस, तो आपके दिमाग में घूमता रहेगा कि मैंने लोन लिया हुआ है, लेकिन आपके पास अगर कुछ रिजर्व्स हैं और जो होने भी चाहिए कि उस डेट को कवर करने के लिए, तो वो रिजर्व्स जो हैं वो गोल्ड के तौर पे रखे जाते हैं। फियर का अल्टरनेटिव गोल्ड होता है। तो इस समय डेट जो है वो फियर नहीं है मार्केट में। वर्ल्ड, जिसको कह लीजिए, वर्ल्ड के अंदर जो सभी देश हैं, जिन देशों के ऊपर वो सर्वे किया जाता है, जहाँ पे उनके डेट के बारे में जानकारी हासिल की जाती है, इस समय वर्ल्ड का जो डेट है वो 296 ट्रिलियन डॉलर है और ये भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इंडिया का डेट भी यहाँ पे इंक्रीज़ होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन रिजर्व्स हैं तो हमें वहाँ पे फियर फैक्टर नहीं है, तो वो फियर फैक्टर जो है रिजर्व्स की सहायता से कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो डेट जो है, वर्ल्ड का जो डेट है वो एक अलार्मिंग लेवल पे है, तो उसके बारे में हम वीकली वाणी में चर्चा कर चुके हैं। तो ये छठे नंबर का पॉइंट है, डेट सबसे बड़ा कारण होता है फियर का, लेकिन इस समय डेट की वजह से फियर नहीं है मार्केट में। दोस्तों, सातवें नंबर का कारण है कि आप देख सकते हैं, ये बेसिकली यूएस की रिपोर्ट है लेकिन इंडिया में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिलेनियल्स और जो जनरेशन जेड है वो इन्वेस्टर्स लोन ले रही है, पैसा बोरो कर रही है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे होता क्या है कि बोरोइंग से कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ये मनी का एक बेसिक रूल होता है, लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न्स हैं वो इतने ज़्यादा हाई हैं, लिक्विडिटी जो अवेलेबल है, लिक्विडिटी अवेलेबल है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम है, तो यहाँ पे लोग जो हैं वो पैसे को बोरो करके या अपनी दूसरी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से निकाल के पैसे को स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ये पैसा है बोरो करके जो डाला जा रहा है या लोन लेके डाला जा रहा है, ये एक अच्छी बात नहीं है अगर हम पर्सनल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि यहाँ पे लोगों को लगता है कि इजी मनी अवेलेबल है स्टॉक मार्केट में या बिटकॉइंस के अंदर, तो आप सोचेंगे कि ये तो हमेशा चलता रहेगा, लेकिन दोस्तों कभी भी कोई चीज़ हमेशा नहीं चलती। यहाँ पे अगर आप जो है, पुरानी बातें हम जल्दी भूल जाते हैं, तो कोई भी साइकिल परमानेंट नहीं होती, कोई भी फिनोमिना परमानेंट नहीं होता, वो फिनोमिना रिवर्स ज़रूर होता है। तो अगर आप सोचे कि ये सब चलता रहेगा, हमेशा यूं ही चलता रहेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत बार देखने को मिलता है, नहीं नहीं ये तो हमेशा ही ऊपर जाता रहेगा, कभी नीचे नहीं आएगा, ये सोच जो है ये यूफोरिया की तरफ इशारा करती है। हमें अलर्ट रहना चाहिए, मार्केट के साथ अपना व्यू चेंज कर लेना चाहिए। तो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, हर चीज़ के अंदर बदलाव होता है। अगर आप सोचे, किसी ने सोचा था कि बिटकॉइन का रेट इतना ज़्यादा क्रैश कर जाएगा, बिटकॉइन का रेट 30,000 डॉलर तक आ गया था, तो ये जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर होती है हर एक एसेट क्लास में। वो कब होगी, कैसे होगी, कौन करेगा, कब शुरू होगी, वो हमें डेटा पॉइंट्स देख के पता चलता रहता है, लेकिन ब्लाइंडली केवल एक ही चीज़ को फॉलो करना कि ऐसा नहीं होगा। अब देखिए, गोल्ड के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था 2018 में कि ये बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। हमने अपने चैनल पे चर्चा करी थी कि गोल्ड आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है, तो गोल्ड ने अच्छे रिटर्न जनरेट किए। रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में हमने 5-6 महीने पहले चर्चा की थी, उसने अच्छे रिटर्न जनरेट किए। तो बेसिकली होता क्या है कि एक साइकिल होती है, एक चेन होती है, और वो चेन ऐसी होती है कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग क्लास है वहाँ से पैसा हमेशा वर्स्ट परफॉर्मिंग क्लास में जाता है,
और ये पैसा सर्कुलेट होता रहता है। आपने ये साइकिल हर एक एसेट क्लास में देखी होगी, रियल एस्टेट में भी देखी होगी। रियल एस्टेट के अंदर बहुत बड़ा एक डाउन टर्न आया था, एक क्रैश हुआ था लेट 90s के अंदर, लेकिन उसके बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा बूम आया 2012-13-14 के अंदर, फिर एक डाउन टर्न आया। तो ये एक तरीके की साइकिल होती है जो रिपीट होती रहती है। यहाँ पे जो बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं वहाँ से पैसा निकाला जाता है और वर्स्ट परफॉर्मिंग एसेट्स में डाला जाता है, जिनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं होता। 2008 में जब आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, 2018 में सॉरी, वहाँ पे मैंने जब गोल्ड की चर्चा की थी तो सबने मुझे बहुत गालियाँ दी थी कि गोल्ड भी कोई इन्वेस्टमेंट करने की जो है एसेट है। लेकिन दोस्तों ये फिनोमिना, ये जो साइकिल है ये हमेशा चलती रहती है। बेस्ट परफॉर्मिंग से पैसा वर्स्ट परफॉर्मिंग में सर्कुलेट होता रहता है और जब वर्स्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास बेस्ट परफॉर्मिंग बन जाती है, वहाँ से पैसा निकाल के फिर एक वर्स्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास में पैसा डाला जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके जितने भी सवाल थे उन सभी का जवाब आपको मिल गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आने वाले समय में अगर आप इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।